एक बोतल में पानी और दूसरी बोतल में चाय। अभी व्रत के कितने दिन रह गए? 4 दिन और। मैं अपने लिए लेके आया हूँ टमाटर। लोगों में जो है ना अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि फसल का लास्ट टाइम है। मौसम विभाग ने बारिश बता रखी है, और अभी थोड़ी देर पहले जो है ना ये टमाटर आज ही हमारे घर आए थे। ऐसे गुटके पहाड़ों में खाया करते हैं लोग इसको। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के लगभग 8 बजे से, और अपने गेहूं के खेत से। अभी मैं जा रहा हूं गेहूं के खेत में पानी की बोतल लेके और दूसरी बोतल में कॉफ़ी लेके। तो मम्मी पापा लोग सुबह ही चले गए थे गेहूं के खेत में गेहूं काटने, और अभी मैं जा रहा हूँ। तो नाश्ता तो घर ही आके होगा, वैसे भी आजकल नवरात्रि वगैरह चल रही है तो सबके व्रत चल रहे हैं, एक मेरे को छोड़ के। तो मैं नाश्ता करके आ गया हूँ, और आज ही आज का है हमारा गेहूं काटना, थोड़ी देर का, लगभग 1.5 घंटे का होगा। और तो उसको काट के आते हैं, और वो देखो सामने से हमारे मम्मी पापा गेहूं काट रहे हैं, और मैं भी जा रहा हूँ दराँती लेके। और ये है एक बोतल में पानी और दूसरी बोतल में चाय। तो मैं पहुंच गया हूं गेहूं के खेत में, और मैंने गिलास में चाय डाल भी दी है, और माताजी और बापूजी ने इतने सारे गेहूं काट भी दिए हैं, और अभी माताजी और बापूजी बैठ के चाय पी रहे हैं, और चाय पीने के बाद ये वाले गेहूं भी काट लेते हैं। तो फाइनली गेहूं की कटिंग तो हम लोगों ने पूरी कर दी है, वो उधर से लेकर पूरा यहाँ तक था हमारा। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से घर को, 2-1 दिन इनको सुखाएंगे, तो उसके बाद जो है ट्रैक्टर बुलाएंगे, फिर मड़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ घर, और आज मौसम भी जो है ना एकदम बारिश वाला ऐसा हो रहा है, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और यहाँ पर जो है हमारी भाभी जी जानवरों का काम कर रही हैं। हेलो, देखो अभी व्रत के कितने दिन रह गए? 4 दिन और। 4 दिन रह गए, तो आजकल थोड़ा सा ना देखो चेहरा गिरा गिरा महसूस हो रहा है। नहीं हो रहा है। भूख लग रही? नहीं लग रही है। व्रत में तो ऐसे कहना पड़ता है कि भूख लग रही नहीं लग रही, वो तो हमें पता ही है। व्रत वालों के लिए सेब, संतरा, अंगूर, अनार आ रहे हैं दुकान से, और मैं अपने लिए लेके आया हूँ टमाटर, इसकी सब्जी खाऊंगा मैं। बाकी व्रत वाले सेब, संतरा, अंगूर खाएंगे, हम खाएंगे टमाटर की झोली। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30, और आसमान में जो है ना बादल लग चुके हैं। देखो उस साइड से पूरा आसमान बादलों से भर चुका है, और इस साइड में भी पूरे बादल वगैरह लग गए हैं। और वैसे भी कल मौसम विभाग ने बारिश बता रखी है, और अभी थोड़ी देर पहले जो है ना बारिश के छींटे भी पड़ गए हैं, और लोगों में जो है ना अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि फसल का लास्ट टाइम है, और इस टाइम पे जो है मौसम भी बन रहा है। तो होता ही है कि यार 6 महीने से फसल कमा के रखी, और लास्ट में जो है ना जब फसल अंदर करने का टाइम आता है तो उस टाइम पर मौसम ख़राब होता है, तो उस टाइम पर लोगों में अफरा तफरी मची जाती है। तो अभी टाइम हो गया 6:30, और माताजी और भाभी जी गोट का काम वगैरह कर रहे हैं, और मैं कर रहा हूँ शाम की सब्जी की तैयारी, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रही है, तो भाभी लोग, पापा लोग और मम्मी लोग जो है व्रत लिए रहते हैं, तो शाम को खाने की तैयारी भी जल्दी करनी होती है, और उसके साथ साथ शाम को मंदिर में भी जाते हैं भजन कीर्तन करने। तो सब्जी के लिए मैं ला गया हूँ पिनालू और आलू, आज बनेगी आलू पिनालू की बॉयल करके मिक्स सब्जी। तो मैंने आलू पिनालू बॉईल होने के बाद छिल दिए हैं, और इसका छिकल डाले वाले परात में, क्योंकि छिलके को जो है जानवर खाएंगे। और साथ ही साथ मैंने टमाटर भी काट दिए हैं, उसके साथ मिर्ची भी काट रखी है। ये टमाटर आज ही हमारे घर आए थे, तो आज जो है टमाटर आलू और पिनालू की मिक्स सब्जी बनेगी, और
जब तक माता जी भाभी जी गोट का काम करेंगे तब तक मैं सब्जी भी बना देता हूँ, और जैसे ही माता जी और भाभी जी आ जाएंगे तो उनका काम रहेगा केवल रोटी बनाने का। तो मेरी सब्जी बनाने की तैयारी हो गई है। सब्जी वगैरह तो मैंने काटी दी थी और इसमें मैंने मसाला बना दिया। आजकल नवरात्रि चल रही हैं तो मसाला भी नॉर्मली रहता है, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर और जीरा वगैरह। तो ये रख दिया है मैंने तेल गरम करने के लिए, और इसमें ऐड कर देता हूँ मसाला। तो टमाटर तो पूरा गल चुका है और अब इसमें डाल देता हूँ मैं आलू और फिर आलू। ये देखो टमाटर में आलू और पिनालू मिलाने के बाद इतने मस्त लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि गुटके बना रखे होंगे। ऐसे गुटके पहाड़ों में खाया करते हैं लोग अक्सर। तो यहाँ पर सब्जी बनके रेडी हो गई है और आटा गूंदने की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है, और बाकी खाना बनाने का काम रहेगा भाभी जी का। और खाना बनता है, खाते हैं, फिर उसके बाद कीर्तन में जाएंगे मंदिर में। और बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं लक्ष्मण उत्तराखंड के कोलापार से मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जब तक माता जी भाभी जी गोट का काम करेंगे तब तक मैं सब्जी भी बना देता हूँ, और जैसे ही माता जी और भाभी जी आ जाएंगे तो उनका काम रहेगा केवल रोटी बनाने का। जागी रया मेरो यो पहाड़।